guys, please subscribe IAS with Ujang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग और आज मैं बात करने जा रहा हूँ भूगोल विषय के महत्व पे। दोस्तों, भूगोल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी कहते हैं। अगर हम बात करें तो UPSC प्री में अगर भूगोल और पर्यावरण के क्षेत्र को मिला लें तो लगभग ये क्वेश्चन जो हैं वो 22 से लेकर 28 क्वेश्चन तक वैरी करते हैं। यानी अगर आप IAS प्री में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो भूगोल एक बहुत ताकतवर विषय होता है जिसका डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है। कई बार भारत के भूगोल और भौतिक भूगोल के क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, कई बार मानव भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन जो हैं वो वैरी करते हैं। यानी भूगोल में आपको 4 सेक्शन पर अपनी कमांड करनी पड़ती है, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बहुत चीज़ों को, खासतौर पर कंटेम्प्रोरी नॉलेज को समझने में भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अपने साथ रखता है। तो आइए, मैं इस श्रृंखला के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं कि NCERT को आधार बनाकर आप भूगोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो जो हमारी शुरुआती दौर में जो हमें NCERT कक्षा 6 में हमें देखनी है या उसके विषय में अपना जो है ज्ञान प्राप्त करना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सौर मंडल में पृथ्वी। चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है बिग बैंग थ्योरी के बाद से इसका जन्म हुआ और यहाँ पर जो है वो सौर मंडल हमारा बनकर आया। सौर मंडल में सूर्य अपने परिवार के साथ यानी 8 ग्रहों के साथ और ये तमाम क्षुद्र ग्रह, ये तमाम अन्य जो पिंड है उनके साथ ये निवास करता है, यहाँ जो है वो घूर्णन करता है हमारी जो गैलेक्सी है। अब अगर हम बात करें तो उसमें पृथ्वी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट की होती है। तो पृथ्वी से संबंधित जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम सबसे पहले खगोलीय पिंड देखते हैं। खगोलीय पिंडों के अंतर्गत चाहे वो तारे हों, चाहे वो उनके निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे धूमकेतु हों, क्षुद्र ग्रह हों या खगोल विज्ञान में पाए जाने वाले जो प्रमुख पिंड हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आज के समय में मैं जो देख रहा हूँ प्री में ट्रेंड जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन काफ़ी इसमें लगातार यहाँ से आ रहे हैं। कारण यह है कि जो बिग बैंग एक्सपेरिमेंट हुआ है CERN में, उसकी वजह से मनुष्य जो है लगातार जो है, जैसे हिग्स बोसॉन की खोज या अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कणों को टकराने की वजह से ये देखा जा रहा है कि मनुष्य जो है अब अपने इस ब्रह्मांड की जो खोज हो रही है उसको खोजने के और करीब पहुंच रहा है, उसके रहस्यों को जानना चाहता है। अगर प्रोफेसर हॉकिंस की बात करें तो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस चीज़ के लिए, इस गणितीय परिकल्पना को जो है वो साकार करने में लगा दिया। ब्लैक होल की थ्योरी रही हो, चाहे चंद्रशेखर सीमा की बात हो रही हो या सूर्य को लेकर बात हो रही है, अभी आपने देखा नासा ने जो है सूर्य के नज़दीक जो है वो अपने यान को भेजा है और लगातार मंगल मिशन, चंद्र मिशन या शनि के बारे में जानकारी लेने के लिए, बृहस्पति के बारे में जानकारी लेने के लिए मनुष्य अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अब उन ग्रहों तक पहुँचना चाहता है और मानव जगत जो है वो अब अन्य ग्रहों की खोज में निकल पड़ा है जहां आने वाले समय में मानव बस्तियां बसाई जा सके। तो इसका संबंध समसामयिक विषय के साथ साथ विज्ञान के साथ भी है। इसलिए कुछ समय से अगर हम देखें तो जो भौतिक विज्ञान है, जो हमारा खगोलीय विज्ञान है, उसमें ज़बरदस्त जो है वो भूचाल आया हुआ है और ज़बरदस्त उसमें जो है वो खोज हो रही है। खासतौर पे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के बाद जब मनुष्य ने उसको सुनने की जो है वो, उसको समझने की, परखने की जो प्रक्रिया जान ली, उसके बाद से माना जा रहा है कि विज्ञान अब बदलाव के चरण में पहुँच चुका है और एक नया विज्ञान हमारे सामने आ रहा है। और काफ़ी कुछ, जैसे हम गॉड पार्टिकल की बात करें, हिग्स बोसॉन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। भारत का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्राचीन समय से ही बहुत बड़ा योगदान रहा और वर्तमान समय में भारत के जो भौतिक विज्ञानी हैं उनको संसार में प्रतिष्ठा मिली हुई है। अतः यहाँ से लगातार जो है 1 से 2 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। इस विषय को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सौर मंडल। तो हमारा पूरा जो ग्रहों का परिवार है, उनकी गतियाँ हैं, उन गतियों के कारण है, संतुलन जो है, इस पर आपको अध्ययन यहाँ पर विशेष रूप से करना पड़ेगा। चूँकि इस बीच आज हमारे पास नई नई दूरदर्शी है, नए नए जो है वो खगोलीय वेधशालाएँ हैं, तो यहाँ पर हमें रोज़ नए एक्सप्लोरेशन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य, तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में सूर्य और सूर्य से संबंधित जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है। नासा निरंतर जो है अपने नए प्रक्षेपण यान के माध्यम से नई तस्वीरें भेज रहा है और नई जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। उसमें सौर ज्वालाओं से लेकर सोलर स्पॉट्स यानी सौर धब्बों तक बिल्कुल नई जानकारियां हमारे सामने निकल कर आ रही हैं, तथा पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पृथ्वी के वातावरण में उन पर होने वाले प्रभावों का हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सूर्य जो है वो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो यहाँ बेसिक नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो 8 ग्रह आज हमारे सामने उपलब्ध हैं, लेकिन जो मानवता है, मानव विज्ञान है, वो गोल्डी लॉक जोन यानी वहाँ पर जहाँ जीवन की संभावनाएं उपलब्ध हैं उनकी लगातार खोज कर रहा है। क्योंकि माना जा रहा है कि जिस प्रकार हम अपने पृथ्वी के संसाधनों का क्षरण कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, जल्दी ही हमें अन्य ग्रहों के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो निरंतर जो है हम वो नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं और इसके विषय में जानकारियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
इसके बाद जो हमारा आवास है पृथ्वी, इसको लेकर एनसीईआरटी ने एक बहुत ही जो है एक लंबा चौड़ा इस पर डिस्क्रिप्शन दिया है। क्योंकि पृथ्वी अपने कंप्लीट इकोसिस्टम के साथ, अपने संपूर्ण आयामों के साथ पाई जाती है और हमारा ये निवास है, हमारा ये अपना स्वयं का ग्रह है, तो इसके विषय में जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे चलकर इसका विस्तार बहुत विशद हो जाता है और पृथ्वी संबंधित जो है ज्ञान वो अलग अलग चैप्टर्स में डेडिकेट किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उपग्रह जो है वो, जैसे हमारा उपग्रह चंद्रमा हुआ, ऐसे अन्य जो ग्रह हैं उनके उपग्रह पाए जाते हैं। इन उपग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है या ये तमाम जो है खनिजों का आधार हो सकते हैं। तो इनके विषय में मूलभूत जानकारी, और सबसे महत्वपूर्ण है अब इस समय चंद्रमा। तो चंद्रमा चूंकि हमारा उपग्रह है और चंद्रमा की जो कलाएं हैं, उसकी जो गतियां हैं, वो पृथ्वी पर तमाम जो है वो भौतिक शक्तियों को उत्पन्न करती हैं। जैसे ज्वारभाटा की शक्ति हो गई, अभी आपने देखा कि चाइना ने हाल ही में जो है वो इसके डार्क साइड को खोजने के लिए एक नया जो है वो चांगी 4 करके इन्होंने एक प्रक्षेपण यान भेजा है। इसका मतलब चंद्रमा का जो एक्सप्लोरेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये सभी जो विषय हैं अपने मूल आधारों के साथ समसामयिक ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भूगोल का आनंद तभी है इसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों का, जब इसको वर्तमान समय के साथ जोड़कर देखा जाए। जो कुछ भी आज हलचल हो रही है उसके साथ इसको जोड़कर देखा जाए। क्या कारण है कि चंद्रमा का एक साइड हमेशा डार्कर साइड रहता है और तमाम ऐसे ग्रह हैं जो देश हैं जो इस ग्रह को जो है एक्सप्लोर करना, उपग्रह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और चाइना की इसमें क्या रुचि है कि जो डार्कर साइड को जो है अपने साथ देखना चाहता है। तो इस विषय को जब आप बेसिक के साथ पढ़ना शुरू करोगे, सो एनसीईआरटी का जो बेसिक से आपको एक नॉलेज देता है समझने का और समसामयिक ज्ञान है, वो आज होने वाली हलचलों पर अपनी जो है एक बहुत जबरदस्त जो है पकड़ रखता है। माना यह भी जा रहा है कि चंद्रमा पर अपना बेस बनाकर आगे चलकर हम लंबी दूरी तक के जो है प्रक्षेपण यान भेज सकते हैं। चंद्रमा एक लॉन्चिंग पैड होगा और लॉन्चिंग पैड के माध्यम से आगे हम जो है अन्य ग्रहों पर जा सकेंगे, और लंबी दूरियों पर जहां पर हमें कई कई वर्ष जो है लगातार यात्रा करनी पड़ सकती है, ऐसी कंडीशन में यह हमारा बेस बन सकता है। पूरे विश्व में आप देख रहे होंगे इसको एक्सप्लोरेशन को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। भारत स्वयं चंद्रयान मिशन और उसके बाद अब मानव मिशन की तरफ जो है वो तेजी से अग्रसर हो रहा है, और अभी हमारे इसरो ने यह बात कही है कि जल्दी जो है मनुष्य भी जो है, भारत जो है वो मानव मिशन भेजने में सक्षम हो पाएगा। सो जो ये खगोल विज्ञान है और पृथ्वी तथा उसकी जो गतियां हैं, ये हमारे लिए ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आधार है। अगर आप इसको इस विषय के साथ सोचकर पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में केवल इसी यूनिट से एक या दो प्रश्न बड़े आराम से प्री में पा जाएंगे। बहुत सावधानी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए और इसके दोनों आयामों को, यानी इसके स्टैटिक आयाम और इसके डायनेमिक दोनों को पढ़ने की कोशिश करिए। लगातार कई बच्चे जो है लगातार मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हम भूगोल आपके साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, और जो क्लासेस की फीस नहीं है वो बहुत ज़्यादा है, और कई ऐसे बच्चे जो इसके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। तो दिल्ली में हमने ये शुरू किया मात्र 5,000 रुपये में, जो ये पूरा मॉड्यूल है एनसीईआरटी का 6 से 12 तक। साथ ही साथ चूंकि मेरा एक करंट अफेयर्स में एक बहुत ज़बरदस्त एक इनपुट है और चीज़ों को मैं समसामयिक चीज़ों के साथ जोड़कर पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत पसंद करता हूँ, तो वो पूरा जो एक एसेंस है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक पूरा जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी बेस आपका जो प्री के लिए बहुत मददगार हो सकता है, उसको हम यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये मॉड्यूल भी अवेलेबल, अगर आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो मैं ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहा हूं उसके साथ आप जुड़कर मात्र 5,000 रुपए और जीएसटी के साथ, आप इसको जो है वो प्लस जीएसटी जो है उसके साथ देकर आप अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि ये बात 28 से 30 क्वेश्चन के बीच की है, कम से कम अगर हम बात करें तो एवरेज 22 से 25 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये आपकी सफलता का बहुत बड़ा आधार बन सकता है, बहुत बड़ा बेस बन सकता है। तो दोस्तों जुड़े रहिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से और अपनी पढ़ाई को एनहांस करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं इसके अन्य जो पहलू हैं इसके विषय में और जानकारी आपको देता रहूंगा कि भूगोल में हम अपनी एनरिचमेंट कैसे कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा और इस आधार से जो आप मैंने आपके सामने डिस्कस किया है उससे आपको अपने नोट्स बनाने में कितनी मदद मिली ये जरूर बताएं। धन्यवाद।